गणित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की थ्योरी में हम उन सभी टॉपिक को पढ़ेंगे जहां से परीक्षा में सवाल आता है। गणित को आसान बनाने के लिए सबसे पहले गणित को समझना होगा और उस गणित के समझने वाले सीरीज में हम आपके साथ क्रमवार लेकर एक एक स्टेप लेकर चल रहे हैं और कोशिश करेंगे आज के टॉपिक में संख्या पद्धति की जो थ्योरी है उसके कॉन्सेप्ट को खत्म कर ले। उसके बाद संख्या पद्धति से जुड़े हुए सवालों की सीरीज को भी हम लेकर एक एक करके क्रमवार रूप से लेकर चलेंगे। आप गणित के सेशन में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, कोशिश करिएगा अपने साथ कॉपी कलम लेकर बैठने का। अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले परिभाषाएं आती है। तो सबसे पहले जब परिभाषाओं की शुरुआत शुरू होती है तो संख्या पद्धति में हमारे और आपके सामने आता अंक किसे कहते हैं। तो मेरा भी सवाल आपसे है कि अंक किसे कहते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं देख रहे हैं वो हमें बताएं कि अंक किसे कहते हैं। तो अंक अगर हम बात करें तो गणित में किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम 10 चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उन 10 चिन्हों को हम अंक कहते हैं। उन्हीं अंकों से मिलकर हमारे संख्याओं का निर्माण होता है। अगर अंक की बात करें तो जो अंक हैं वो होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये कुल 10 ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जिन्हें हम अंक कहते हैं। इन्हीं अंकों से मिलकर संख्याओं का निर्माण होता है और गणित का जो डर है ना इन्हीं संख्याओं की वजह से होता है और इन्हीं से आज शुरुआत करते हैं ताकि आपके गणित का जो डर है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। जीरो की बात करें तो एक असार्थक अंक है। जीरो अगर हम बात करें तो एक असार्थक अंक है, लेकिन जितने भी इसके अलावा है ये सभी सार्थक अंक है। लेकिन जीरो जिसके साथ लग जाता है उसके सार्थकता को और ज्यादा बढ़ा देता है। और अंकों के जो सार्थक समूह होते हैं उन्हें हम संख्या कहते हैं जो इन अंकों से मिलकर बनते हैं। अब इसी के साथ हम आपको छोटा सा टॉपिक लेकर चलेंगे, जातिमान और स्थानीय मान कॉन्सेप्ट पे ही क्लियर कर लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ जाए तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। पहली बात तो आप लोग ये जानते होंगे कि किसी भी संख्या को पढ़ने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़, हजार, 10,000, 10,00,000, 10,00,000 करोड़, अब इस टॉपिक को अगर इस गणित को पढ़ रहे, अगर कंपटीशन ही गणित आप पढ़ रहे तो आपको संख्या पढ़ना आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने संख्या ले लिया, इसका स्थानीय मान निकालना है, इसका स्थानीय मान निकालना है। तो हम जानते हैं अगर ट्रिकी अगर हम गणित की बात करें, जैसे मान लीजिए यहां पर 4 का स्थानीय मान निकालना है, तो आप यहां लिख देंगे 4। 4 के बाद दाएं तरफ कितने अंक है, 3, तो 3 जीरो लगा दिया तो ये हो गया स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान 4,000। अगर हम आपसे पूछें कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा कमेंट करके बताइएगा, मैंने उसका प्लस वैल्यू क्या होगा। अब इसके अलावा एक आता है जिसे हम कहते हैं जातिमान, ये तो हो गया स्थानीय मान, स्थानीय मान। अगर हम बात करें जातिमान का, जातिमान इसे हम फ्रेश वैल्यू कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेश वैल्यू कहते हैं। इसे नैज मान के नाम से जानते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है नैज मान क्या होगा, तो कुछ लोग कहते हैं यार ये तो मैंने पहली बार पढ़ लिया, नैज मान क्या होता है। तो अगर आप इस सीरीज में बने रहेंगे जो निःशुल्क सीरीज आप सभी के लिए है देशहित में राष्ट्रहित में, तब आपको पता चलेगा जातिमान, जातिमान फ्रेश वैल्यू क्या है, फ्रेश वैल्यू क्या है। अगर पूछ लिया जाए कि 4 की जातिमान क्या है तो क्या होगा, केवल 4। 4 का जातिमान क्या होगा, केवल 4। अब सोचिए स्थानीय मान तो 4,000 है, लेकिन जातिमान क्या होती है, स्वयं संख्या होती है, माने वह जो संख्या होती है वही क्या होता है, उसका क्या होगा, जातिमान होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। जो लोग देख रहे हैं वीडियो को जरा कमेंट करके बताएं। इसे हम फ्रेश वैल्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रेश वैल्यू कहते हैं। अब अगर पूछ लिया जाए कि 3 के, इन दोनों तीनों के जातिमान का अंतर क्या होगा, तो बताइए कमेंट करके क्या होगा, इस दोनों तीन के जातिमान का अंतर क्या होगा, स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। और स्थानीय मान के अंतर की बात करें तो जो पहला तीन है, जो यहां पे आपका पहला तीन है, इस तीन का जो स्थानीय मान कर मैं बात करूं, स्थानीय मान की बात करूं, तो ये हो जाएगा आपका स्थानीय मान इस तीन का, क्योंकि 4 संख्या इसके बाद है, 4 जीरो लगा देंगे कितना होगा, 30,000। और अगर इसके अंतर की बात करें, अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें इसका अंतर क्या होगा, तो माइनस का चिन्ह लगाइए, इस तीन का क्या हो जाएगा, 300। अब हो जाएगा इसके स्थानीय मानों का अंतर। लेकिन जब किसी भी दी गई संख्या में एक समान संख्या का अगर आपको जातिमान अंतर निकालना होगा तो हमेशा शून्य आता है, कैसे वो भी समझने का प्रयास करिएगा। ये 3 का जातिमान इसका भी 3, इसका भी 3 होगा, ठीक, तो प्लस माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। तो जब किसी भी दी गई संख्या में से कोई भी संख्या दी गई उसके दो अंकों के अगर जातिमानों का अंतर पूछा जाए, नैज मानों का अंतर पूछा जाए, फ्रेश वैल्यू पूछा जाए, तो वहां पर कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए।
इसको कई बार अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं, इसको समझ के रखिएगा, इसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। कई बार इसको नैजमान कहते हैं, तो नैजमान हिंदी शब्द पढ़ने के बाद घबरा जाते हैं, तो उसकी पेपर में अंग्रेजी की तरफ जाइएगा, अगर वहां पे फेस वैल्यू लिखा है तो समझ जाइएगा कि किसकी बात कर रही है, ये आपके जातिमान की बात कर रहा है। उसके बाद स्थानीय मान के लिए प्लस वैल्यू का इस्तेमाल करता है, उसके लिए प्लस वैल्यू इस्तेमाल करेगा। तो अंग्रेजी के पेपर में कई बार क्या होता है, गणित में भी कुछ सरल सवाल होते हैं लेकिन हम घबराहट में गलत कराते हैं, तो यही इसका कारण है। मैं एक संख्या और दे रहा हूं, जैसे यहां पे है अगर यहां पे पूछ लिया जाए 9 के जातिमान का अंतर क्या होगा, तो आप जरा कॉमेंट करके बताइए क्या शून्य होगा, क्या होगा? शून्य होगा। कैसे? या क्योंकि दोनों की जो इसकी फेस की वैल्यू 9 ही रहेगी ना, इसके स्थान की वैल्यू पूछता किस स्थान पर है, लेकिन यहां पर क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो उम्मीद करता हूं अब आपको स्थानीय मान और जाति मान समझ में आ गया होगा। अगर यहां से पूछ लिया जाए कि इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा, यहां 5 लिखिएगा, कितना 0 है, 4 अंक है, तो 4 0 लगा दीजिएगा। अगर यहां पे पूछ लिया जाए कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, या इस 4 का स्थानीय मान क्या होगा, या इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान क्या, कुछ भी पूछेगा, उसकी दाईं तरफ जितनी संख्या होती है उतना 0 लगा देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, स्थानीय मान। तो दोनों टॉपिक समझ में आ गया, स्थानीय मान और जाति मान। अब हम इसी साथ और आगे चलते हैं, आप चाहे तो इसको क्लियर कर ले स्क्रीन को। अब हम चलते हैं गिनती की तरफ। वैसे हमें जातिमान स्थानीयमान और आगे पढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर संख्या और अंक की बात हुई इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझा दिया। अगला आता है प्राकृतिक संख्या है, जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। ये नेचुरल नंबर पता है कहाँ से निकला है? ये प्राकृतिक संख्या है, ये अपने आप पैदा हुआ है। ये पूरे गणित में अगर मैं बात करूं, ये गिनती अंक अपने आप पैदा हो गया, क्योंकि अपने आप बन गया। हाँ, अपने आप बन गया। इसको समझते हैं, जब आदिमानव रहे होंगे तो शिकार करने के लिए जाते थे, आदिमानव क्या करने के लिए शिकार करते थे, खाते थे, कपड़े नहीं होते थे उनके पास, जैसे हम लोग के पास कपड़े हैं, तो लोग क्या करते थे, छाल पत्ते को लपेट लेते थे। तो मान लीजिए शिकार करने के लिए सुबह घर से कुछ लोग गए, तो लोग कैसे गिनते होंगे, 1 गया, 2 गया, 3 गया, या जब वो पत्थर के औजार बड़े बड़े बनाया करते थे तो पत्थरों कैसे गिनते होंगे, पहले 1 पत्थर, फिर 2 पत्थर, फिर 3 पत्थर, इसी तरह पत्थर इकट्ठा करते होंगे, या पत्थर घर बना रहे होंगे, या पत्थर के औजार बना रहे होंगे, या घर में अपने सदस्यों की काउंटिंग करते होंगे। कहां शुरुआत करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यह नंबर प्रकृति ने खुद से दिया है, इसलिए हम इसे प्राकृतिक नंबर या नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। इसका जन्म खुद से हो गया, और जब खुद से जन्म होगा तो परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो आप बताइए कमेंट करके सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, बताइए सर। अब देखिए, अभी क्या उन्होंने पत्थर कहां शुरू किया, पहले उनके पास 1 पत्थर आया होगा, तो 0 नहीं आएगा। अब पहली बार पत्थर की तरह उनके पास आया होगा, 1 आया होगा, फिर 2 3 4 5 डट अनंत। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ये परीक्षा में पूछा जाता है सवाल कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 होगी, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, ये भी सवाल आपके मन में आता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या अनंत होगी। कहेंगे सर अनंत कैसे होगी, तो सोच लीजिए अपने मन में कोई संख्या, जितना आप सोच सकते हैं बस उसमें 1 जोड़ दीजिए, जिसे हम अनुवर्ती संख्या कहते हैं, माने अगली संख्या, तो मैं उसकी अगली संख्या मिल जाएगी। आप कहेंगे सर मैं इतना बड़ा संख्या सोच लिया हूं, क्या इससे भी बड़ा संख्या होता है, उसमें 1 जोड़ दीजिए, उससे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है वो अनंत होती है, ये एकदम रट लीजिएगा, और सबसे छोटी 1 होती है। और अब अनुवर्ती पूर्ववर्ती भी जान लेते हैं। अब जैसे यहां पे अगर पूछ लिया जाए कि 4 की अनुवर्ती क्या होगी, अनुवर्ती माने अगली संख्या, अनुवर्ती माने अगली, जब किसी संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो हमें अनुवर्ती संख्या प्राप्त होती है, जबकि संख्या में से हम 1 घटा देते हैं तो हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है, क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। तो याद रहे हमेशा, अगर यहां से पूछ लिया जाए, एक छोटा सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि 1 की पूर्ववर्ती क्या होगी, तो क्या बताएंगे, जैसे अगर मैं आपसे पूछ लिया कि 1 की अनुवर्ती क्या होगी, 1 की अनुवर्ती 2, 1 की अनुवर्ती, अनुवर्ती माने अगली संख्या 1 जोड़ने पर, और 1 की पूर्ववर्ती पूछ लिया जाए तब बताइए, जवाब तेरी बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं, 0 इन्होंने कहा। तो एक प्रश्न याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर खंगालेंगे तो मिल जाएगा, यह 1 की पूर्ववर्ती होती ही नहीं, क्योंकि कोई संख्या पूर्ववर्ती 0
हो नहीं सकती, इसलिए याद रखिएगा कि एक की पूर्ववर्ती नहीं होती, बाकी सभी संख्याओं की पूर्ववर्ती होती है, क्योंकि वह तब क्या होगा, प्राकृतिक संख्या नहीं रह जाएगा। और हम अनुवर्ती पूर्ववर्ती किसके साथ पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक संख्या के साथ पढ़ रहे हैं, यह समझ में तब आता जब आप एनसीईआरटी पढ़े होते हैं तब। इसलिए रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि एक की पूर्ववर्ती होती ही नहीं, क्योंकि एक की पूर्ववर्ती होगी तो जीरो, जीरो हो ही नहीं सकती क्योंकि जीरो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं है। इसलिए हमेशा लाइफ टाइम याद रखिएगा, एक की अनुवर्ती तो होती है लेकिन पूर्ववर्ती नहीं होती। तो पूरे संख्या पद्धति में मात्र एक एक ऐसी संख्या है जिसकी पूर्ववर्ती नहीं होती, बाकी जितनी भी संख्याएं होती हैं सबकी पूर्ववर्ती होती है। ठीक, आगे बढ़े, यहां तक समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो ये था हमारा संख्या पद्धति में अनुवर्ती पूर्ववर्ती स्थानीयमान और जातिमान का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। ठीक, अगर मैं एक लाइन में आपसे पूछूं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तब कह दीजिएगा सभी गिनती की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की शुरुआत कहां से होती है, एक से होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होगी और जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी वो क्या होगी, अनंत होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई डाउट यहां से नहीं है। अब हम इस तथ्य को, इस सीरीज को और आगे आपके साथ लेकर चलेंगे। अब चार लोग शिकार करने के लिए चले गए और लौट कर नहीं आए, कितने बचे, घर से चार लोग शिकार करने के लिए गए होंगे आदिमानव लोग और चारों लौट कर नहीं आए, कितने बचे, जीरो बचे, शून्य बचे। अब यहीं से शून्य की अवधारणा आती है, तो शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। अब संख्या क्या हो गई, पूर्ण हो गई, होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर, मतलब अब संख्या पूरी हो गई, माने जीरो सहित गिनती की संख्या, जीरो सहित प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अब कितने लोग से अगर पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, कहेंगे सर जीरो, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। तो अब दोनों में अंतर समझ में आ गया, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या, जैसे जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, अनंत तक। ठीक, मतलब जीरो सहित प्राकृतिक संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक का जो कॉन्सेप्ट था वो आपका एकदम पूरी तरह से अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अब हम इसी के साथ इस सेशन को और आगे लेकर चल रहे हैं, कोई डाउट नहीं है ना। अब हम बढ़ते हैं, अच्छा एक बात ये भी याद रखिएगा, जो प्राकृतिक संख्या होती है धन पूर्णांक कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं। धन क्यों कहते हैं, इनके सामने धन लगाइए ना लगाइए ये माना जाता है, माने कोई संख्या की एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं यहां पर आठ लिखा है, तो ये क्योंकि इसके पहले धन आठ भी लिख देंगे, इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ, अगर हम आठ को धन आठ कह दें क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। हम इसका बट्टा एक भी लिख सकते हैं, क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा, हम इसके घात एक भी लिख सकते हैं। तो ये कॉमन चीज है, आपको जानती रही है, लिखे ना लिखे हमेशा गणित में मानी जाती है, पहले धन माना जाता है, बट्टा एक भी मान सकते हैं, घात एक भी मान सकते हैं। क्या हम आठ को माइनस आठ मान सकते हैं, नहीं मान सकते, इसका मान बदल जाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो प्राकृतिक संख्या है वह एक स्वयं में धन पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है, धन पूर्णांक संख्या है। ठीक है, प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन से पढ़ सकते हैं। तो अगर इतना समझ में आ गया तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें, हम पूरे बोर्ड को साफ करें, बोर्ड आपका काफी गंदा हो चुका होगा, इतनी चीजें मैंने लिख रखी है। ठीक, यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो आप फटाफट पूछ लीजिए, वरना हमें बताइए कि हम अब इसको लेकर आगे चलें। बताइए फटाफट कमेंट करके, सब लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग कमेंट भी करते रहिए, अगर आप इस सेशन में लाइव जुड़े हैं तो। चलिए, सबको क्लियर हो गया, किसी को डाउट नहीं है ना, पूर्ण संख्या भी क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं, अब हम बढ़ते हैं पूर्णांक की तरफ, अब हम बढ़ेंगे पूर्णांक की तरफ। पूर्णांक दो तरह के होते हैं, पूर्णांक कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। अब इन दोनों तरह के पूर्णांक को समझने के लिए अब हम एक नंबर लाइन का प्रयोग करेंगे, इसका उसे हम संख्या रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्या रेखा या नंबर लाइन का प्रयोग करेंगे। ठीक, और इसी नंबर लाइन से भी जोड़ घटाना गुणा भाग का भी जन्म हुआ था। अब मैं पूर्णांक की बात कर रहा हूं, अब इसको खूब ध्यान समझिएगा, यही से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं पूर्णांक, देखिए मेरी आवाज कितने लोगों को समझ में आ रही है, कितने लोग को एक गणित समझ में आ रहा है। अब मैं पूर्णांक की बात कर रहा हूं, अब इस पूर्णांक पे अगर मैं स्केल से अगर लिखूं, क्या इस तरह से नंबर लिखा जा सकता है, हो सकता है दूरी लिखने में कम ज्यादा हो गया हो, तब उसे कर लीजिएगा। यहां पर
ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये इसका मतलब क्या हो गया, डट 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 अनंत, ठीक है। अनंत तक मैंने इसलिए लगा दिया कि तीर इसका मतलब एक आगे तक जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट आपका नहीं समझ में आएगा। अब हम देखते हैं कि जीरो के जब दाएं तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका, धन पूर्णांक। क्लियर, देखिए धन पूर्णांक है। जब हम जीरो के बाईं तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ऋण पूर्णांक। अब जरा हमें इतनी बात बताइए, जितने लोगों ने यहां तक मुझसे पढ़ लिया क्या इतना आपको समझ में आ गया, हम जब जीरो के दाईं तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, धन पूर्णांक, और बाईं तरफ जा रहे हैं तो हमें ऋण पूर्णांक मिल रहा है। क्लियर हुआ। अब यहां से बहुत ही मेजर चीज आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसको हम माने ऋण पूर्णांक धन पूर्णांक को हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब यहां से कुछ थ्योरी हमारे सामने और आपके लिए निकल कर आने वाली है, उसी थ्योरी को समझना है। अब देखिए, अब एक से लेकर जो संख्या आगे है इन्हें हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या सकते हैं, प्राकृतिक संख्या, क्योंकि इस नंबर लाइन में गिनती की संख्या हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर मैं इस तरह से पूछूं, सबसे छोटी धन पूर्णांक और सबसे बड़ी धन पूर्णांक, बताइए जोर से बोलिए ताकि लगे कि हाँ क्लास में पढ़ रहे हैं, अनंत। क्या है, अनंत है। सबसे बड़ी पूर्णांक क्या होगी, अनंत होगी। क्लियर हो गया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे छोटी धन पूर्णांक, सबसे छोटी धन पूर्णांक एक, और सबसे बड़ी धन पूर्णांक अनंत। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब ऋणात्मक की तरफ अगर पूछूं, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक क्या होगी, सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक माइनस एक के अनंत, और सबसे छोटी ऋण पूर्णांक। अब देखिए यही कंफ्यूजन क्रिएट होगा, एक कॉमन सेंस की बात करते हैं। जैसे किसी को माइनस पांच नंबर मिले और किसी को माइनस आठ नंबर मिले, किसको ज्यादा मिला है, कहेंगे सर माइनस पांच वाले को तो ज्यादा मिला है, इसका मतलब कम, ये तो ज्यादा माइनस आठ मैंने नीचे चला गया, ये थोड़ा कम नीचे है। तो याद रखिएगा कि सबसे छोटी जो ऋण पूर्णांक होती है वो अनंत होती है, और सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक माइनस एक। फिर से समझते हैं, सबसे छोटी धन पूर्णांक एक, और सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक माइनस एक, एकदम एक दूसरे के विपरीत है। सबसे बड़ा धन पूर्णांक, सबसे बड़ा धन पूर्णांक अनंत, और सबसे छोटा धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक अनंत, क्योंकि माइनस एक नंबर सबसे ज्यादा है, इससे ज्यादा को पा ही नहीं सकता, माइनस दो और कम, माइनस तीन और कम, माइनस चार और कम, माइनस पांच और कम, इस अनंत तक हो जाएगा। तो सबसे बड़ी, अगर नोट बना कर आए लिख लीजिएगा कि सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक माइनस एक होता है और सबसे छोटी ऋण पूर्णांक अनंत होता है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए सबका, ठीक। जीरो के संख्या अगर दाईं तरफ बढ़ते हैं तो धन पूर्णांक, और बाईं तरफ बढ़ते हैं तो ऋण पूर्णांक होता है। यहां तक इंटीजर सबको समझ में आ गया, माने पूर्णांक सबको समझ में आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, जितने लोग को समझ में आ गया जरा कमेंट करके बताएं, ताकि हम इस सेशन के साथ और आगे बढ़े और आपको तथ्यों की तरफ लेकर चले। किसी को डाउट तो नहीं है ना। अब इन्हीं में से हमारे लिए निकलता है सम संख्या और विषम संख्या। अब देखिए सम और विषम कैसे निकलेगा, अब धन पूर्णांक को पढ़ेंगे, ऋण पूर्णांक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ने चल रहे हैं धन पूर्णांक। जितनी गणित का इस्तेमाल होती है, ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग धन पूर्णांक का इस्तेमाल करते हैं। अब सम संख्या विषम संख्या किसे कहते हैं, अगर समझने की मैं बात करूं, जैसे अगर मैंने यहां लिख दिया जीरो, फिर नीचे लिखा एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। अब देखिए जिनके इकाई का ये आएगा वो हो जाएगी सम संख्या, वो क्या हो जाएगी, सम संख्या, और जिनके इकाई का ये आएगा हो जाएंगी विषम संख्या। माने जिस संख्या की इकाई का जीरो, दो, चार, छह, आठ होगा वो संख्या सम संख्या होंगी, जिन संख्या की इकाई का एक, तीन, पांच, सात, नौ होगा वे संख्याएं विषम संख्या होंगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। जो सम संख्याएं होती हैं वो दो से हमेशा कटती हैं, माने जितनी भी सम संख्याएं होती हैं, जिन संख्या की इकाई के जीरो, दो, चार, छह, आठ होता, वे संख्याएं हमेशा दो से विभाजित होती हैं, ठीक।
और इनके बीच में हमेशा दो का डिफरेंस होता है, माने किसी भी दो सम और दो विषम क्रमागत संख्याओं के बीच में हमेशा दो का अंतर होता है। कितने का? दो का अंतर होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पे है एग्जांपल में ले रहा हूं 13, 15, 17, 19, तो आप कहेंगे सर इसमें दो दो का डिफरेंस है। किसी भी विषम क्रमागत संख्या के बीच में डिफरेंस कितने का होता है? दो का होता है। देख रहे, दो दो का अंतर है। और सम की मैं बात करूं, जैसे है 24 है, 26 है, 28 है, 30 है, इसे कहेंगे सम क्रमागत संख्या। तो किन्हीं भी क्रमागत संख्या जो होती है सम या विषम, उसमें दो का ही डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है? दो का डिफरेंस होता है। और सबसे बड़ी संख्या, अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, तो बताइए कमेंट करके। सबसे बड़ी सम संख्या पूछा जाए तो अनंत होगी। और सबसे छोटी अगर सम संख्या पूछ लिया जाए, सबसे छोटी अगर पूछा जाए, सबसे छोटी अगर मैं बात करूं, सबसे छोटी सम संख्या दो, सबसे छोटी विषम संख्या एक। अब बड़ी की बात पूछा जाए तो दोनों अनंत होंगे। सबसे बड़ी अगर पूछ लिया जाए तो सम भी अनंत होगा और विषम भी अनंत होगा। यहां तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो हम इस तथ्य को, इस सीरीज को आपके साथ और आगे लेकर चले। बताइए कितने लोग का ये कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया? जितने लोग अगर क्लियर हो गया तो पूछ सकते हैं। कई बार परीक्षा में सवाल आता है, अगर मैं सम संख्या की बात करूं, अगर मैं सम संख्या पढ़ रहा हूं, सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा? इसके लिए अपने मन में एग्जांपल ले लीजिए। जैसे 2 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 6, तो सम संख्या ही आएगा। यहां कई बार पूछा जाता है, अगर मैं कहो, आप लोग कहें तो मैं यहां पर इस सेशन को आपको यहां पे सॉल्व करके दिखा दूं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए सम धन सम, सम में सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? जरा कमेंट करके बताइएगा। तो सम ही मिलेगा। क्या मिलेगा? सम ही मिलेगा। सम में सम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? सम संख्या मिलेगा, ठीक। और अगर विषम में विषम जोड़ेंगे तब क्या मिलेगा? अगर हम विषम में विषम संख्या जोड़ दें, अगर हम इसमें विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा? एग्जाम्पल लेते हैं, 3 में 5 जोड़ी क्या आएगा? 8, 8 क्या है? सम। इसका मतलब क्या आएगा? सम। और अगर एक सम है, अगर एक सम है एक विषम है, तब क्या आएगा? 3 है, 2 5 क्या आएगा? विषम। इसका उल्टा भी सत्य होगा, मतलब विषम है अगर कोई संख्या, अगर उसमें हम सम संख्या जोड़ रहे हैं तब भी क्या होगा? हमें विषम ही प्राप्त होगा। तब भी हमें क्या प्राप्त होगा? तभी में विषम संख्या ही प्राप्त होगा। यहां तक कितने लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये हो गया जोड़ का कॉन्सेप्ट। अगर मैं इसे बात करूं, ये हो गया हमारा जोड़ने का। अब हम गुणा की तरफ बढ़ते हैं इस सेशन में। अगर गुणा की बात करूं, सम गुणे सम करेंगे तो क्या आएगा? सम में गुणा सम का गुणा, 2 गुणे 4 में करेंगे तो क्या आएगा? सम ही आएगा, ठीक। अगर हम विषम का गुणा विषम में करेंगे तब, अगर हम विषम गुणे विषम करेंगे तो क्या आएगा? 3 3 5 15। इसका उल्टा भी कर देते हैं, जैसे सम इधर रख देते हैं, सम गुणे विषम, तब क्या आएगा? सम गुणे अगर विषम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 2 6 माने सम। और इसका उल्टा भी सत्य होगा, चाहे इधर से इधर करिए, चाहे इधर से इधर करिए, हमेशा इसका उत्तर क्या आएगा? सम ही आएगा। ये कितने लोगों को समझ में आ गया? अब एक बार और समझिएगा, अब चिन्हों के बारे में समझ लीजिएगा। जैसे धन का गुणा धन में करेंगे तो धन आएगा, समान चिन्हों गुणा धन। ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो क्या आएगा? धन। लेकिन अगर एक धन है और एक ऋण है तो क्या आएगा? ऋण। जैसे मान लीजिए यहाँ एक ऋण है एक धन है, विपरीत चिन्हों गुणा में सा रहा। तो ये कॉन्सेप्ट भी अपने पास समझ कर रखिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट, कोई सवाल, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पर आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके इलनी भी दुर्गेश से सभी लोग जुड़े रहिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग, ठीक है? हम आगे बढ़े। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर सबका? सबका ना?
कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशित में राष्ट्रित में, और ये कॉन्सेप्ट ही आपको समझना जरूरी है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहां पर आ गया सम संख्या। इवन नंबर क्या है? वे संख्या जो दो से पूर्ण तक विभाजित होती है, जिनकी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिनके इकाई अंक 0, 1, 3, 5, 7, 9 होता है, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आगे बहुत सारे मिलेंगे समझने के लिए। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अब हम किसकी बात करेंगे? अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या को समझना जरूरी है। अगर आप अभाज्य संख्या को समझेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, इसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? प्राइम नंबर कहते हैं। माने कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, वो एक तो एक से कटती है और स्वयं से कटती है। कोई भी संख्या मान लीजिए, दुनिया की कोई भी संख्या हो, एक तो खुद से कटती है, जैसे 5 है 5 से कटेगा, 6 है तो 6 से कटेगा, 10 है 10 से कटेगा, दूसरी 1 से कटती है। अगर कोई संख्या एक से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटे, तब हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती, उन्हें हम क्या कहते हैं? हम उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 यहां से दो सवाल बनेंगे। पहला सवाल बनेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए कितना सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर मैं बात करूं तो हमने बात की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो दो होती है, तब रट लीजिएगा। सबसे छोटी दो क्या होती है? अगर मैं यहां पे दो सवाल आ जाए तो दो क्या होगी? सबसे छोटी। यहां से भी कई प्रश्न बनेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? दो। सबसे बड़ी पूछेगा तब सबसे बड़ी क्या होगा? अनंत। सबसे बड़ी अनंत। माने यहां पे क्या क्या क्लियर हुआ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत। फिर मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि बताइए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो अब आपको ने जवाब दिया एक। एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। बहुत लोग गलती करते हैं, पूछा सवाल है और जानते हैं, बहुत ट्रेंडिंग वाली सवाल। तो तीन जो है सबसे छोटी, तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य है, प्राइम नंबर है। क्लियर? सबसे छोटी संभाज्य। बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। दो एकमात्र ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है, बाकी जितनी भी सम संख्याएं हैं सब भाज्य संख्या। दो इकलौती अभाज्य संख्या है, माने दो ही एक ऐसी संख्या है जो केवल अभाज्य है, बाकी जितने भी तुम्हें सम संख्या मिलेंगे पढ़ने के लिए वो सब भाज्य संख्या होंगी। और एक यहां पे देख लीजिए नोट में लिखा, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। एकदम रट लीजिए, एकदम याद कर लीजिए इसको। फिर मेरा सवाल आएगा इसी पर, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? अब मैं विकल्प भी दे दूंगा आपको, ये चार विकल्प हैं। यूं कह सकते हैं ए बी सी डी। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो? अभाज्य की बात, मैं अभाज्य पढ़ा रहा हूं, प्राइम नंबर। हो सकता है मेरे मुझे भाज्य निकल जाए तो अभाज्य समझिएगा, क्योंकि मैं भी अभाज्य की ही बात कर रहा हूं। जवाब दीजिए फटाफट, जवाब दीजिए यार, पढ़ रहे सिलेक्शन लेना है आपको, बताइए फटाफट कमेंट करके।
सबसे बड़ी, अब मैंने इतना पढ़ा दी फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। नौ कितने लोगों ने जवाब दिया है, कितने लोगों ने नौ जवाब दिया है? आपने नौ दिया जवाब ना, तो ये नौ गलत है, क्योंकि नौ क्या है, भाज्य संख्या है। ये तीन से भी कटेगा, एक से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, उसके अलावा तीन से भी कट रहा है, तो एक अंक की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है वो होगी सात। ऊपर देखिए, तीन पांच सात के बाद दो अंक शुरू हो गया। फिर यही सवाल बनता है, दो अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो दो अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ग्यारह। दो अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ग्यारह। और दो अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, इसका जवाब आप इस वीडियो कमेंट में देंगे। सब हम ही पढ़ा देंगे तो आप कहां पढ़ाएंगे। फिर एक सवाल पूछा जाता है, एक से लेकर 25 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, एक से लेकर 25 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है? मुझे याद है, मैं बता दिया, नौ। गिनिए देखिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, 25 भाज्य है। एक से लेकर 25 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, नौ। ये पूछा जाता है परीक्षा में, और कई बार पूछेंगे इसका औसत क्या होगा, कुल पदों की बटे कुल पदों की संख्या। फिर दूसरा सवाल इसी में, एक से लेकर 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, मुझे याद है, मैं ऐसे ही बता दूंगा लेकिन आप मुझे बताइए। फिर पूछा जाएगा, एक से लेकर 75 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, एक से लेकर 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं? मैं आपको बता दूं, यहां तक 25 होगा, माने एक से लेकर 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होते हैं। बाकी दो का जवाब दीजिए, क्योंकि आपको एक से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या पता होना चाहिए कम से कम। ये अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा, वैसे नोट्स में आपको मिला, अगर आपने लेनी तो नोट्स लिया होगा, उस नोट्स में है, ले सकते हैं, गणित का नोट्स है, गणित की प्रैक्टिस सेट की सीरीज है, उसके लिए आप देखिए मैं नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा आप लोग, 6306344367। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग घर बैठे भी नोट्स ले सकते हैं, पीडीएफ में भी ले सकते हैं, एनसीईआरटी के भी नोट्स उपलब्ध है, तो गणित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस सेट होना जरूरी है प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पर आपके सामने फिर सवाल आएगा, एक से लेकर 25, एक से लेकर 50, एक से लेकर 75, एक से लेकर 100 तक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तब बाद में आगे बढ़ूं, मैं इसको पूरा साफ करूं ताकि मैं आगे सेशन की तरफ बढ़ूं, यही पढ़ाता रह जाऊंगा। अब देखिए आगे मैं बढ़ता हूं, अब बढ़ते हैं भाज्य संख्या, इसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, माने वे संख्याएं जो एक से भी कटे और स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी तीसरी संख्या से भी अगर वो कटती हैं, तब हम उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, हम उन्हें यौगिक संख्या कहते हैं। और ध्यान रहे, इसे ऋण संख्या भी कहते हैं, इसे कहते हैं ऋण संख्या, एक बार परीक्षा में सवाल आता है ऋण संख्या, तो ऋण संख्या इसे कहते हैं, और अभाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं, इसे यौगिक संख्या कहते हैं। देखिए समझते रहिए, क्योंकि कई बार भाषा बदल देता है तो लोग कहते हैं सर तुम पढ़े नहीं थे, तो इसको समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया कि यौगिक संख्या होगी और ये ऋण संख्या हो गई, तो वे संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से कटती हैं, विभक्त तो होती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल, अब यहां पर एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा, तो एग्जाम्पल जो है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ये है भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या जा रहा है, जवाब दीजिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या खिचड़ी होता जा रहा है, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है ये यहाँ ये होगा अनंत मान लीजिए। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या अगर मैं बात कर लूं या कोई भी बात कर ले, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो है चार। क्या चार छोटी कोई भाज्य संख्या है, नहीं है, तो ये होगी सबसे छोटी ठीक। अगर ये पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, तब तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है नौ, बताइए क्या है नौ। नौ के बारे में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो कई कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नौ क्या है, सबसे छोटी विषम भी हो भाज्य भी है, क्या नौ से छोटी सी कोई संख्या देख रहे जो विषम और भाज्य हो, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो गई नौ। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है, एक न तो भाज्य है न अभाज्य है, एकदम रट लीजिएगा, एक न तो भाज्य है न अभाज्य है। यहां तक किसी क्लियर हो तो बता सकता है, पूछ सकता है, मैं आगे बढ़ू।
अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, एक से लेकर 100 तक में कुल कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं, बताइए। जो तेज दिमाग को तुरंत लगाएगा, सर ने कहा था एक से लेकर 100 तक में जो 25 अभाज्य होता है, तो 100 में 25 घटा देंगे कितना बचेगा, 75 ना भाज्य हुआ। तो अब बताइए, अगर मैं सवाल किसी से पूछ लूं, अगर मैं यहां पे विकल्प भी दे दूं, जैसे ए विकल्प है 73, बी विकल्प है 74, सी विकल्प है 75 और डी विकल्प है 76, आप कमेंट करके बताइए कि इसमें से आपको हम सही उत्तर किस पर माने, बताइए फटाफट कमेंट करके। अगर हमारे साथ आप पढ़ रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं, एक से लेकर 100 तक में कुल कितनी भाज संख्या होंगी, बताइए विकल्प बताइए, एक चारों में से 73, हाँ। एक से लेकर 100 तक में 25 होते हैं क्या, आपकी अभाज्य 25 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 75, 74 कैसे, क्योंकि एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य, इसलिए इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 74। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, एक से लेकर 100 तक में कुल कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं, एक से लेकर 100 तक में कुल 74 भाज्य संख्याएं होती हैं। और कुछ लोग तुरंत 75 बताते हैं और आगे बढ़ते हैं, और वही बाद में पेपर मिलाते हैं, कतरी बाप रे मेरा एक नंबर सिलेक्शन नहीं हुआ, एक नंबर से रुक गया। तो ये मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं ना, इसको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हुए चलिएगा। एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या, दो अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या, तीन अंक सबसे छोटी भाज्य संख्या, इस तरह कॉन्सेप्ट परीक्षाओं में आता है, सबसे छोटी सबसे बड़ी। जब समझेंगे, डेली क्लास में रहेंगे, तब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ऐसे रोज भागते रहेंगे तो कैसे क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। वीडियो मेरी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, कुछ लोग भागने लगते हैं, अरे सर जी तो बहुत बड़ा बड़ा पढ़ाते हैं। ठीक, हम और आगे चलें, इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सब लोग। अब अगली जो है इसमें करस असहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, माने जब दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो अथवा जिसका मस एक हो, उसे हम स अभाज्य या को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 4 और 9, ये दोनों संख्या अलग अलग से कटेंगी, जिन्हीं किन्हीं दो संख्याओं का अगर मस एक है, उन्हें हम को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा, कहें तो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, जो लोग लाइव देख रहे हैं, मैं आपके कमेंट भी देख लेता हूं, वो लोग इसे देख लें, समझ लें। 4 के अलावा 4, 7 भी हो सकता है, जैसे 4 और 7, ये भी क्या है, एक कहेंगे सर ये तो एक सम और विषम है, लेकिन इसका मस होगा एक, और जिसका मस एक होगा उसे हम को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जुड़वा भाज्य भी होता है, अगर इसके स्क्रीनशॉट कर ले तो हम इसके आगे बढ़े, इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हो गया। अब हम बात करते हैं जुड़वा भाज्य की, अब हम किसकी बात करते हैं, जुड़वा अभाज्य की, कि जुड़वा अभाज्य किसे कहते हैं, माने ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर दो होता है, उन्हें हम जुड़वा अभाज्य कहते हैं। जैसे ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर दो हो, उन्हें हम युग्म अभाज्य संख्या या जुड़वा अभाज्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं, एकदम समझने वाला कॉन्सेप्ट जो है वो है आपका, एक तो 3 और 5 कितने का अंतर है, और दोनों अभाज्य संख्या है 5 और 7, जुड़वा अभाज्य कितने का अंतर है, 11 और 13, क्या है जुड़वा अभाज्य। इस तरह के सवाल आपके परीक्षाओं में आते हैं, इस तरह के परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना। फिर है 17 है, और अगर आप कोई जुड़वा भाज्य जानते हो तो एग्जाम्पल पर कमेंट करिएगा, एग्जाम्पल जो होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। यहां तक अगर आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तब हम लोग बढ़ेंगे परिमेय संख्या की तरफ, किसकी तरफ, परिमेय संख्या की तरफ। कितने लोग तैयार है परिमेय संख्या के लिए, एक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, समझने वाली बात है। मैंने शुरुआत में कुछ चीजें पढ़ाई थी और वही आपका यहां इस्तेमाल होने जा रहा है। अगर मैं परिमेय संख्या की बात करूं तो वे संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, रैशनल नंबर किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर पी एक पी और क्यू एक पूर्णांक हो, लेकिन क्यू का मान 0 ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं।
अब यहाँ पे समझने वाली बात है, वो ध्यान समझिएगा। जैसे कोई संख्या है, इसे मान लेते हैं ये पांच है, तुम पांच का बटा एक लिख सकते हैं, तो दोनों पूर्णांक है, पांच ही पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है, पांच को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि माइनस ग्यारह का ये परिमेय संख्या है, जी हाँ, इसका भी बटा एक लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जैसे ये भी परिमेय संख्या, अगर मान लीजिए केवल 36 माइनस 36 है, इसका भी बटा एक लिख सकते हैं, यह भी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर यह सवाल आ जाए कि इसे मान लीजिए 13 बटा 0 है, तो क्या यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका क्यू का मान किसी भी दशा में 0 नहीं हो सकता, दोनों पूर्णांकों। ऐसा हो सकता है कि हम 13 बटे माइनस 4 कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि माइनस 4 बटे माइनस 15, दोनों परिमेय संख्या है, दोनों पूर्णांक है, सॉरी दोनों पूर्णांक है, लेकिन यहां पर क्यू का मान 0 नहीं, इसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे 3/5, 5/6, 4, तो ये सब क्या है, एक परिमेय संख्या है। बाकी की इन एग्जाम्पल को मैं आगे समझाने का प्रयास करूं, इन्हें परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अभी ये परिमेय नहीं है, इन्हें आगे परिमेय के रूप में लिखा जा सकता है, कि तो अभी ये परिमेय नहीं है, इसलिए ये इसको थोड़ा सा नोट्स में आप संशोधन कर लीजिएगा, इसे हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, कि अभी ये परिमेय संख्या नहीं है। अब अगर मैं पूछूं कि -24 परिमेय संख्या है, ऑफ कोर्स इसका बटा एक लिख सकते हैं, तो -24 है, -35 है, 4 है, 7 है, ये सब क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इनका बटा एक हम लिख सकते हैं, ऊपर भी ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय, लेकिन ये परिमेय नहीं है। तो कितने लोग हैं जिनको समझ में आ गया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिनको समझ में आ गया कमेंट में वही लिखे, जिनको नहीं समझ में आया कमेंट में यह लिखे, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। मैं यहां से कुछ टॉपिक समझा रहा हूं, उसे समझने का प्रयास करिएगा। सभी प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है, सभी धन पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है, सभी ऋण पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि इनका हर हम एक लिख सकते हैं ना। तो यहां तक समझ में आ गया हो तो हम जब अपरिमेय पढ़ा लेंगे, तब थोड़ा दोनों के बीच का डिफरेंस है वो पढ़ाने समझाने का प्रयास करेंगे। अब अपरिमेय संख्या क्या है, इसको समझते हैं, इसको जानते हैं। अब यहां पर क्या है, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, माने वे संख्याएं हम जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, वे क्या है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p और q पूर्णांक एवं q का मान 0 परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अब कणी में 2 का अगर हम मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये पूरी तरह से निकल कर बाहर नहीं आएगा, ये क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या, माने जो संख्या परिमेय नहीं है वो अपरिमेय हो गई, ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जो परिमेय नहीं वो अपरिमेय होगी। अब माइनस कर्णी में 2 या कर्णी में -2, ये तीनों संख्या अगर मैं बात करूं तो क्या है, अपरिमेय है, कर्णी में 3 ये भी अपरिमेय है। अब अगर मान लिया जाए, अब इसे कर्णी में तोड़ा, जैसे मान लीजिए यहां पर है कर्णी घात 3 है, इसको लिख सकते हैं 5^1/3, ये दोनों भी क्या है, ये अपरिमेय, ये दोनों क्या है, अपरिमेय है। अब आप कहेंगे सर हम कर्णी में 2^1 भी तो लिख सकते हैं, ये सही है, लेकिन ये परिमेय नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय, कर्णी में 2/1 तो लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर p/q होगा, क्योंकि मान 0 भी नहीं है, लेकिन ये ऊपर दोनों पूर्णांक नहीं है, क्योंकि अब p और q दोनों का पूर्णांक होना भी जरूरी है, इसलिए यहां पर जितने लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ वो समझाएगा। अब यहां पे एक बातें ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग जानते होंगे, जैसे ये क्या है, कितने लोग इस बात को जानते हैं, ये क्या है, पाई, पाई जो है यह एक अपरिमेय संख्या, ये क्या है, यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान क्या होता है, ये क्या है,
पी बटे क्यू के रूप में है, ये क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या है आपका परिमेय, और ये क्या है आपका, माने पाई एक अपरिमेय संख्या है लेकिन पाई का मान एक परिमेय संख्या है। ये लोग गलती कर जाते हैं लेकिन हम चाहते हैं आपसे यहां कभी गलती ना होने। पाई खुद एक अपरिमेय संख्या है लेकिन पाई का मान 22 बटे जो 7 है वो क्या है, वह एक परिमेय, इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब यहीं से आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसे हम रियल नंबर कहते हैं। माने सभी परिमेय और परिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, चाहे पाई लिखो चाहे 22 बटा 7 लिखो, माने दोनों परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर हम क्या कहते हैं, हम उन्हें वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं। इसके एग्जांपल दोनों मिक्स करके लिख दीजिएगा। अब एक आता है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, माने ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर आपको एग्जांपल में ऊपर दे दिया था, यहां पर एग्जांपल में भी अपरिमेय है लेकिन काल्पनिक संख्या उन्हें कहते हैं। जैसे अगर हम यहां पर बताएं कि माइनस कर्णी में 3 है या माइनस कर्णी में 5 है, माने ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, केवल कल्पना की जाती है। तो अब यहां तक जितने लोग को समझ में आ गया वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, तब मैं यहीं पर एक टॉपिक और आपको लिखवा दूं, सभी लोग उसे लिख लीजिएगा, रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या अगर आपसे पूछ ले कोई कि रामानुजन संख्या किसे कहते हैं तो आप क्या जवाब देंगे, माने किसी दो न्यूनतम संख्याओं का, मतलब अगर ये पूछ लिया जाए, मतलब गणित की वह सबसे छोटी संख्या है जिनकी दो के घनों के योग से दो योग बनते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे यहाँ पर है 1729, शायद आपको दिख रहा होगा, अगर 1729 की बात करूं तो इसमें हम दो घन का योग जोड़े हैं, एक तो है 1 का क्यूब और इसमें हमने जोड़ दिया है 12 का क्यूब। एक का जो क्यूब होता है, एक 12 की 1728, दोनों जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 1729। दूसरी तरह अगर मैं इसे निकालूं तो 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब, 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000, तो 1029। तो यहां पर वही स्पष्ट करना, वही आपको समझना है, माने गणित की ऐसी दो संख्या घनों का योग जो दो युग्मों से मिलकर बनता है। मतलब अगर मैं रामानुजन संख्या को समझाना चाहूं तो 1729 क्या है, एक रामानुजन संख्या है। जैसे यहां पर अगर मैं इस लाइन को यहां पर अगर इरेज करूंगा तो शायद आपको अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, ये 1 है और यहां पर ये क्या हो जाएगा 1728। इन दोनों का जो योग डिस्प्ले दिख रहा है ना, इन दोनों का जो योग होगा वो क्या हो जाएगा 1729। अब 9 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 729 होगा और 1 का हो जाएगा 1000, इसका भी अगर हम योग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1729। तो यहां पर वही कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया जा रहा है, यहां पर यही बताने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक, इन दोनों को जोड़ने पर, इसे हम रामानुजन संख्या कहते हैं। यहां तक कितने लोग को समझ में आ जा रहा है, आप लोग कमेंट करें, एक बार कमेंट भी आप लोग के देखते रहे। जैसे यहां पर मैंने ऊपर समझाया था एग्जांपल में, कर्णी में 2 एक अपरिमेय संख्या है तो हम कर्णी में अगर -2 होगा तो यह भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी, ऊपर भी मैंने, और इसे काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसके साथ और आगे बढ़ सके। इसकी स्क्रीनशॉट सब लोग कर लीजिएगा, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब संख्याओं पर कुछ विशेष बिंदु, इसे रटना है आपको, इसे याद करना है, और कोशिश करिएगा नहीं याद होगा तो हम भी याद करा देंगे। जैसे संख्या 1 न तो भाज्य और न ही अभाज्य, रट लीजिएगा, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, 1 न तो भाज्य है न अभाज्य है। ऐसी संख्याएं जो अभाज्य हो तो सम संख्या केवल 2, 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है। क्या है, सम अभाज्य, सम संख्या भी है और अभाज्य, इकलौती संख्या है जो सम और अभाज्य है। वे दो संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है अभाज्य का जोड़ा कहलाती है। ऊपर मैंने बताया था 5, 7, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 29, 31, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम
किस नाम से जानते हैं पर कमेंट करें बताइएगा। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या पूर्णांक परिमेय वास्तविक होती हैं, माने सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या पूर्णांक परिमेय अपरिमेय को मिलाकर हम इन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक परिमेय वास्तविक होती हैं, यह भी ऊपर समझ में आ गया। सभी पूर्णांक और परिमेय वास्तविक होते हैं तो यह हम लोगों ने पढ़ लिया। सभी पूर्णांक परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेगा। एक एक लाइन एक एक चीज को घटाया बढ़ाया। अब यहां कह रहा है अभाज्य को ऋण संख्या कहते हैं एवं यौगिक सम और विषम संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्या जो होती है सम और विषम दोनों होती हैं, ठीक, जैसा कि दो सम है बाकी सब विषम है। सभी पूर्णांक परिमेय और परिमेय संख्या ऋणात्मक धनात्मक दोनों होती है। सभी पूर्णांक ऋणात्मक धनात्मक भी होती है, परिमेय संख्या भी ऋणात्मक धनात्मक होती है और अपरिमेय भी होती है। प्राकृतिक संख्या अभाज्य यौगिक सम विषम पूर्णांक संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती। ध्यान दीजिएगा यहां पर कहने वाली बात यह है कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो अभाज्य संख्या ही होती है, तो गिनती संख्या में ही अभाज्य संख्या निकलता है। भाज्य होती है योगी, जिसे योगी कोई भाज्य कहते हैं, सम भी होता विषम होता है। यूं पूर्ण संख्याएं कभी ऋणात्मक नहीं होती, जो पूर्ण संख्याएं होती है कभी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक, ये लिख लीजिएगा, ये सब याद करना, ये सब की पॉइंट है। भिन्न संख्याएं जैसे 5/6, 7/8, 13/14, 14/13, 22/6, ये सब क्या है, भिन्न जो होती है वो एक परिमेय संख्या होती है। दो के अतिरिक्त सभी भाज्य संख्याएं ऋण संख्या विषम संख्या होती है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था और आपको रटा भी दिया था। जीरो ऋणात्मक और धनात्मक नहीं होती, जीरो क्या होती है, धनात्मक होती है ऋणात्मक होती है, ये उदासीन होती है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, इसके टेलीग्राम पर आप लोग चाहेंगे तो मिल जाएगा। शून्य में किसी संख्या पर भाग देने में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसे याद कर लीजिएगा, शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर शून्य आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 6 है, अगर 0 भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से 0 में किसी संख्या से भाग देने पर, जैसे यहां पर है इसमें हम भाग देते हैं यहाँ 6 से, तो क्या आएगा यहां पर हमारा 0 आएगा। जैसे इसको लिख सकते हैं कि 0/6, इसका मान क्या होगा, 0। वैसे यहां पर दीजिएगा एक वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या है। यहां पर जैसे कोई संख्या है अगर हम शून्य में किसी भी संख्या से भाग देते हैं, शून्य में क्या किसी संख्या से, 12 दे, 15 से, 20 दे, जैसे हम यू ले सकते हैं 0/x, क्या मानेगा, 0, तो 0 ही है। किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में शून्य का भाग देना परिभाषित नहीं है, अर्थात किसी भी संख्या में शून्य का भाग देते हैं तो भागफल अनंत आता है। जैसे अगर मैं यहां पर यह बता दूं कि अगर 0 से हम 6 में भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। मतलब हम यू कह सकते हैं 6/ अगर हम 0 करेंगे क्या आएगा, अनंत आएगा। मतलब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यहां पे था 0/6, अगर हम यहां ऐसे लिख सकते हैं 6 में अगर हम 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। ठीक, कोई भी संख्या हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, तो अनंत आएगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझ के रखिएगा, उसे क्या कहते हैं, इनफाइनाइट, मतलब अनंत आएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट भाग का समझ लीजिएगा, यहां सबके परीक्षाओं में सवाल आते हैं। किसी भी संख्या, किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे हम जातिमान कहते हैं। जैसे 5283 में 2 का जो जातिमान है वो 2 है, मैंने शुरुआत में ही बताया था, इसे फ्रेश वैल्यू कहते हैं। किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं, ये शुरुआत मैंने बताया। जैसे 5283 में 2 का स्थानीय मान 200 होगा, ये ऊपर ही मैंने कॉन्सेप्ट में क्लियर किया था। अब यहाँ पे ध्यान से फिर समझने वाली बात है, कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या चाहे गुणनफल करिए चाहे भाग करिए, वो हमेशा परिमेय संख्या देती है। ये सब सवाल पूछे जाते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल कभी भी परिमेय संख्या, कभी अपरिमेय संख्या होती है। मैंने कहा दो अपरिमेय संख्याओं की बात करें, कभी गुणा कभी भाग परिमेय भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये दोनों बातें याद रखना है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अथवा योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है। माने एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, उनका अगर हम योगफल करें या गुणनफल सदैव क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त होगी, ये भी आपको याद करना है। पाई एक अपरिमेय संख्या, ऊपर मैंने पढ़ाया था पाई का मान परिमेय है। कह रहा दो परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याओं
या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या और अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती है, माने दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या और अनंत अपरिमेय संख्या, और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। यहां पर चाहे आप लोग पढ़ लिया तो ठीक है, वरना आगे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि परिमेय संख्याओं को, परिमेय संख्या को दशमलव रिपोर्ट या सीमित होता है, असीमित आवर्ती होता है, जैसे तीन बटे चार, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक बटे तीन को अगर हम भिन्न में दशमलव बदलना चाहेंगे क्या आएगा, जीरो दशमलव तीन 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 बढ़ता है, इसे लिख सकते हैं तीन के ऊपर बार लगा देते हैं। तो इसे हम पढ़ते हैं कि क्या है, असीमित आवर्ती होता है, जैसे तीन बटे चार है, यहाँ पर देखिए ग्यारह बटे तीन कर रहे हैं अगर हम, तो क्या हो जाएगा तीन दशमलव छह छह, इसे असीमित आवर्ती कहते हैं, माने तीन के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है, बार बार जबकि संख्या की पुनरावृत्ति होती है। ऐसा भी हो सकता है जैसे कोई है, मतलब बार बार अगर फोर सिक्स फोर सिक्स फोर सिक्स फोर सिक्स डट डट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब जिस संख्या के ऊपर बार लग गया था इसका मतलब उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है दशमलव के बाद। अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अनंत वह अनावर्ती होता है, जैसे कर्णी में तीन और कर्णी में तो अनावर्ती होता है, इसे अगर दशमलव बदलेंगे तो बढ़ता चला जाएगा। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है तथा प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है, दो का वर्ग चार, चार का वर्ग सोलह, छह का वर्ग छत्तीस, तो सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है, विषम संख्या पांच का वर्ग पच्चीस, सात का वर्ग उनचास, तो विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, आइए देख लेते हैं। अगर प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना तो इस तरह से निकालेंगे, ठीक, एन कोष्टक में एन प्लस वन बटे टू। प्रथम यन संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, यन देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योग और प्रथम यन सम संख्याओं का योग निकालने के लिए सबसे पहले यन निकालेंगे, यन कोष्ठक में यन प्लस वन होता है, प्रथम यन विषम संख्याओं का योगफल यन स्क्वायर होता है। ये मैं आगे बताऊंगा, थियरी जब कराऊंगा तब इसको कराऊंगा तब आपको अच्छे समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आगे कह रहा है यदि दशमलव संख्याएं जैसे जीरो दशमलव एक्स तथा जीरो दशमलव एक्स वाई के रूप में दी जाती है तो उन्हें परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में निम्नलिखित बदले। जैसे यहाँ पर अगर कोई संख्या दे दिया, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमें दिया दशमलव सात, इसको बदलना भिन्न में तो लिखेंगे सात बटे दशमलव जगह एक, उसके दाई तरफ कितना अंक है एक, एक जीरो बढ़ा देंगे सात बटे दस। जैसे आ जाए जीरो दशमलव छह, इसको भिन्न में बदलना है तो छह बटे क्या हो जाएगा दस बस। अगर यहाँ पे आ जाए जीरो दशमलव छह सात, इसको भिन्न में बदलना है तो सड़सठ बटे दशमलव जगह एक, दो अंक है दो जीरो बस। अगर यहाँ पे इस तरह से आ जाए जैसे कह दे जीरो दशमलव तीन पाँच चार, इसको बदलना है तो तीन पाँच चार मतलब चौवन बटे दशमलव जगह एक, कितना अंक है तीन, तीन जीरो बढ़ा दीजिए तीन सौ चौवन बटे एक हजार। तो किसी भी दशमलव को भिन्न बदल सकते हैं, काट के छोटा करेंगे कटेगा तो काट के छोटा भी कर लेंगे। तीन अंक है तो देखिए वही मैंने यहाँ पे बताया, आप एक क्लियर होंगे। यदि अशांत अनंत आवर्ती दशमलव संख्या है तो उसको किन्हें परिमेय संख्या के रूप में बदले, आगे मैं बताऊंगा कि किसी भी अगर अपरिमेय संख्या से कैसे बदलते हैं, ठीक, उसके बटे निन्यानवे लगा देते हैं। जैसे मैं इसको भी आगे पढ़ाऊंगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया तीन के ऊपर बार है, इसको लिखेंगे तीन बटे नौ। जैसे यहाँ पे आ गया, जैसे यहाँ पे आ गया तिरालीस के ऊपर बार है तो लिख सकते हैं तिरालीस बटे निन्यानवे। फिर अगर आ गया जैसे तीन सात पाँच के ऊपर बार है, इसको क्या करेंगे चार तीन पाँच बटे एक नौ दो नौ तीन, मतलब जितने के ऊपर बार उतना बटे नौ नौ, ठीक, यहाँ एक था एक नौ, दो अंक था दो नौ, तीन अंक पे था तीन नौ। तो इसके भी एक और नियम है, लेकिन जब मैं थियरी पढ़ाऊंगा तब तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। यहाँ आपके जो पीपीटी की नोट्स है वो उसके तक जहां तक है वो मैं आपको समझाने पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर तथ्य थियरी दिया गया, अच्छा यहाँ पर इसको सॉल्व भी करके दिया गया। चलिए, किसी पहाड़े का योग उस संख्या के पहाड़े के पचपन गुने के बराबर होता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, किसी भी पहाड़े का योग उस संख्या के पहाड़े के पचपन गुने के बराबर होता है, मैंने गुणे पचपन कर देंगे, पचपन यन कर देंगे आपका पहाड़ा तैयार हो जाएगा। यू एक से लेकर यन तक के पहाड़ा का योग ज्ञात करना है तो पचपन कोष्टक में यन यन प्लस वन बटे टू। अब देखिए प्राकृतिक संख्या को वर्गों के योगफल, देखिए ये सब मैं क्या करूंगा, मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तब मैं सारे फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा, वैसे चाहे तब ये सारे फॉर्मूले लिख सकते हैं और लिख लेंगे तो शायद आपको समझना पढ़ना आसान हो जाएगा। आप लोग जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़े जाएंगे, ठीक, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस, ठीक, और अगर आप चाहते घर बैठे आपको नोट्स मिल जाए तो इस नंबर पर आप खाली व्हाट्सएप करके सभी लोग जानकारी ले सकते हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ और देख रहे हैं सभी लोग नोट्स सभी जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएगी। और अगर आपका कोई सवाल है
तो आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी की सभी नोट्स, गणित की भी नोट्स आपको मिल जाएगी, 6 से लेकर 12 तक की सभी नोट्स हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम एनसीईआरटी उपलब्ध है, ठीक है। तो आप इसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, आप चाहे तो अपनी परीक्षा का पूरा भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, गणित के अन्य विषय के भी नोट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं तो लाइक करिएगा। अगर आप चाहते हैं इस तरह की कंप्लीट वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे पूरी गणित की निःशुल्क सीरीज, तो आप इस सेशन में बने रहिए, इस सेशन को शेयर करिए, लोगों को बताइए कि आपके लिए सेशन स्टार्ट हो गई है और आप गणित के सेशन में बने रहिए, हमारे साथ गणित पढ़िए और तेजी से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि संख्या पद्धति से हम कोशिश करेंगे जो जो टॉपिक से सवाल आते हैं उन टॉपिक को पहले पढ़ेंगे। संख्या पद्धति क्या है, एक बड़ा अध्याय है, और इसके बाद एक बार संख्या पद्धति समझ लेंगे उसके बाद तथ्य को पढ़ना समझना ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि पूरी गणित जो है संख्या पद्धति पर ही आधारित है, ठीक है। इसके बाद छोटा टॉपिक आता है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम, क्योंकि पूरे गणित में हमें विभाज्यता के नियम का इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद दशमलव, भिन्न, सरलीकरण, इससे तीन अध्याय ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं। वैसे इसमें भी बहुत सारे अध्याय है, मतलब इसमें भी बहुत सारे टॉपिक है, बहुत तरह के सवाल आते हैं, उसको भी हम एक करके डिस्कस करेंगे। वैसे इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। कोई व्यक्तिगत सवाल है इन्हें भी इंस्टाग्राम पर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। गणित की अन्य वीडियो के लिए आप इस सेशन के साथ जुड़े रहिएगा और लोगों को जोड़कर रखिएगा, क्योंकि अभी की बार नौकरी हमारे का सपना आपको पूरा करना है और जरूर होगा पूरा, ठीक है। थैंक यू।